दीप जो दिल नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं गठन मातृशक्ति हमारे यहाँ तो बड़ी श्रद्धा और आस्था और प्रथम पूज्या इस रूप में इसको स्मरण किया जाता है। और नारी के लिए तो कहा है कि नर से नारायण, नारायण को भी निर्माण करने वाली कौन है, नारी है। सब चीजों को जो गढ़ने का काम करती है वो नारी है। वो चाहे घर को बढ़ना हो, चाहे समाज को बढ़ना हो, चाहे राजा को बढ़ना हो। कालखंड के अंदर कहा जाता था दिल्लीश्वर हो मां जगदीश्वर, कि दिल्लीश्वर ही जगदीश्वर होता था। यानी दिल्ली का बादशाह कौन, औरंगजेब। औरंगजेब जो है वही हिंदुस्तान में थी, उसको जो बदलने का काम किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो निर्माण हुआ भीम माता जीजाबाई, सामान्य सा परिवार जिसके अंदर जन्मने वाला छोटा सा बालक और उसको इस कदर का बनाकर श्रेष्ठ जो उच्च कोटि का खड़ा किया। जब कहा जाता था कि हिंदू कभी राजा नहीं हो सकता, उस महापुरुष ने वो राजा बना और हिंदू पदपाशाही की स्थापना की, दुनिया को संदेश दिया कि हिंदू राजा हो सकता है। ऐसी इन सब चीजों को गढ़ने के लिए अनेक प्रकार से, इसलिए मैंने कहा है मातृशक्ति। अब अपने घर को कैसा बनाना है, देश को कैसा बनाना, चरित्र बनाना या संकल्प बनाना, किसके हाथ, किसके हाथ, मां के हाथ। मां मतलब मेरे हाथ। पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आह्वान किया था कि बोले राम राज्य आएगा, राम राज्य नहीं कैसा राम राज्य, कहेंगे 16 साल की तरुणी 24 कैरेट के सोने से आभूषणों से लदी हुई बयाबान जंगल में निर्भीक अकेली चली जाए तो राम राज्य आऊंगी, शुरू में आकर विजय श्री का वर्णन करूंगी। ऐसी सब प्रकार की सारी चीजें एक कानपुर से संदेश, मेरा एक वोट निर्णय करने वाला है, वो मोदी जी हो योगी जी हो, सब प्रकार की सारी चीजों में हर जगह वही दिखाई पड़ती है। सारे गुंडे बदमाश माफिया या तो जेल के अंदर कर दिए या उत्तर प्रदेश के बाहर वो डर के भाग, देश और प्रदेश को बढ़ते हुए देख रहे हैं। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, फ्लाई ओवर बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं। कानपुर के जाम को खत्म करने के लिए बाहर चारों तरफ आउटर रिंग रोड बन रही है। और अपने आंखों से आपने देखा कि कानपुर में मेट्रो चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास जो है ना कन्या पूजन से प्रारंभ होता है, क्या पहले ऐसा था, विश्वास की परंपरा